बुरहानपुर में आदिवासियों पर फायरिंग के मामले से प्रदेश की कमलनाथ सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। लिहाजा वन मंत्री उमंग सिंगार रात के समय आदिवासियों से मुलाकात करने पहुंचे और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। बुरहानपुर जिले के नेपानगर के बदनापुर क्षेत्र में आदिवासियों पर फायरिंग का मामला भोपाल तक गरमाने के बाद प्रदेश के वन मंत्री उमंग सिंगार नेपानगर पहुंचे। वे सीधे उस जगह गए जहां आदिवासियों ने फायरिंग का आरोप लगाया था। रात में आए मंत्री को यहां जंगल देखने के लिए टॉर्च जलाना पड़ी। आधे घंटे तक यहां अफसरों के साथ दौरा करने के बाद काफिला आगे बढ़ा तो आदिवासी सड़क पर बैठ गए और हंगामा करने लगे। आदिवासियों ने कहा कि गोली चलाने वाले वन अफसरों पर कार्रवाई करें, जिस पर वन मंत्री उमंग सिंघार ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। चर्चा करते हुए मंत्री उमंग सिंघार ने कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच होगी, जिसका जो अधिकार है उसे मिलेगा, पूरा मामला जांच में क्लियर होगा, न्याय निष्पक्ष होगा। ये मैं सरकार की तरफ से मैं आश्वासित करना चाहूंगा कि न्याय बिल्कुल निष्पक्ष होगा। तो दूसरे दिन ही जाँच कर रही थी, ADM शायद जाँच कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनकी भी रिपोर्ट आएगी। मैं वही कह रहा हूँ, सभी के पक्ष सुनने आया हूँ, सभी की अपनी अपनी बात है क्या होता है, उसके बाद ही फिर निष्कर्ष पूछ पाऊंगा। अभी जल्दबाजी नहीं, अगर ये तो मजिस्ट्रेट जांच पे होगा कि क्या स्थिति बनी थी, क्या जानबूझकर गोली चलाई, आत्मरक्षा में चलाई, ये तो निष्पक्ष जब जांच होगी उसके बाद ही होगी। तो ADM जांच कर रहे हैं, बाकी मैं सभी पक्षों को सुनने आया हूँ, तो उस सुनने के बाद ही रिपोर्ट में शासन को। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि अब आदिवासियों पर फायरिंग के मामले में जाँच रिपोर्ट आने पर क्या सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, बुरहानपुर।